हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि डेरिवेटिव हम ऑलरेडी एमएल अग्रवाल से कर चुके हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, क्योंकि बिना देखे तो ये देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले उसको देख लो, उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो पर आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कहता है कि डीवाई बाई डीएक्स आपको फाइंड करना है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस ना दिख रहे हो, तो आप सीबीएसई हैंडबुक इजीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप भी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax y। इसको आपको डेरिवेशन करके इसका हमें dy by dx फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax y। तो यहाँ जो डेरिवेटिव दिया हुआ है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, जिसमें एक्स और वाई आपको इकट्ठा दे दिया जाता है, आप एक्स और वाई को अलग अलग ना कर पाओ, वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें dy by dx फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस में 3y², फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy by dx, यहाँ पर 3a कॉन्स्टेंट है तो 3a तो एज इट इज रहेगा, आपको डेरिवेटिव करना है x इंटू वाई का। अब x और y का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव तो हो गया 1, y एज इट इज रहेगा, अब x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx। अभी जितने भी टर्म्स हैं सभी में से देखो 3 3 3 आप कॉमन निकाल सकते हो। सबसे पहला काम है इसको कॉमन निकालो, छोटा करो थोड़ा सा, तो ये बनेगा x² प्लस y² dy by dx। अब यहाँ से 3 कॉमन निकालने के साथ साथ एक काम और करो, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लो। अब ब्रैकेट के बाद सिर्फ a रह गया, क्योंकि 3 तो निकल गया कॉमन, तो a रह गया, तो यहाँ पर a इंटू वाई को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई आ गया, a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ गया। अब जिस इसमें dy by dx है उसको आप एक तरफ कर लो, ये y² dy by dx है, ये ax dy by dx है, इन सबको एक ही तरफ ले आओ, तो यहाँ से y² आ जाएगा, और यहाँ से जब ax आएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा इंटू में dy by dx, क्योंकि ये दोनों के साथ कॉमन है। बाकी जो टर्म्स हैं उनको ले जाओ राइट हैंड साइड पे, ये ay तो ऑलरेडी है वहाँ पर, x² को यहाँ ले जाएंगे, और इसको जब आप इसके नीचे लाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल्स टू ए वाई माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट का dy/dx फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में कहता है e की पावर xy माइनस axy इक्वल्स टू a। ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लेते हैं, उसमें कहता है e की पावर xy माइनस axy इक्वल्स टू a। तो यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले तो e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव करते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर एक्स वाई आता है, मतलब जो भी e की पावर में दिया होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो e की पावर यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है तो e की पावर एक्स वाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है आपको प्रॉपर चेन रूल लगाना है, अगर खाली x होता तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता, अगर y होता तो हम लिखेंगे फिर dy/dx, लेकिन यहाँ पर ना x है ना y है, दोनों का कम्बिनेशन है, यानी x इंटू वाई है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इसका चेन रूल जब लगाएंगे तो पहले e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव करा, ये आ गया, अब हम x का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 1, और y रहेगा एज इट इज़, फिर हम x एज इट इज़ रखेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा dy/dx माइनस a। अब यहाँ पर भी x और y दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, 1 इंटू में y प्लस में x इंटू dy/dx, और राइट हैंड साइड में खाली a था, a मतलब कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो ये y प्लस x dy/dx आप निकाल सकते हो यहाँ से कॉमन, तो इसको तो आप कॉमन निकाल दो,
अब कॉमन निकालने के बाद आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर y प्लस में x dy वाई बाई डी एक्स हमने निकाल दिया कॉमन, और आपके पास बच गया यहाँ से तो e की पावर एक्स वाई माइनस ए, और राइट हैंड साइड में बच गया आपके पास जीरो। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब यहाँ पर आपको जो आंसर दिया है ना dy वाई बाई डी एक्स का जो हमें निकालना है, अगर हम dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये देखो ये वाली जो पूरा ब्रैकेट है ये, इसमें आप dy वाई बाई डी एक्स तो है नहीं, इसको आप ले जाओ उस साइड, उस साइड ले जाओगे तो जीरो के अपॉन में आ जाएगा, जीरो के अपॉन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस में x dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब आप y को उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा माइनस y, और dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस में 4y क्यूब, ये सारा कुछ दिया हुआ है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं इसका स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए थर्ड पार्ट है इसके अंदर, थर्ड पार्ट में कहता है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब इक्वल्स टू जीरो, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 3x क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं, तो ये 3 आगे आ जाएगा 9x स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 5 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर x स्क्वायर वाई, ये दोनों दो आपके पास फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए, तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर नहीं सकते, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। रूल्स वही रहेंगे, ध्यान रखना चाहे आप कैसा भी डेरिवेटिव कर रहे हो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आपको उसका डेरिवेटिव करने के लिए वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आएगा 2xy रहेगा एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, वाई का डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को बाहर रखो। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर है तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, वाई स्क्वायर सेम रहेगा, अब x सेम रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स प्लस में 4y क्यूब, तो 4y क्यूब का करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 फोर जै 12 वाई स्क्वायर, फिर y का डेरिवेटिव dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब आपको क्या करना है, बस जो dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, ब्रैकेट खोलनी है पहले, तो ब्रैकेट खोलने के बाद जो dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है। तो पहले हमने ब्रैकेट खोला, हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर आएगा 5x स्क्वायर साथ में dy वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 4xy dy वाई बाई डी एक्स प्लस 12y स्क्वायर dy वाई बाई डी एक्स। अब जितने भी dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उन सबको dy वाई बाई डी एक्स के साथ कॉमन निकाला मैंने, उनके साथ सबको लिखते जाओ। माइनस 5 आ गया यहाँ से, प्लस 4xy आ गया, और वहाँ से आ गया 12y स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स है सारी सबको ले जाओ आप राइट हैंड साइड में, तो ये 9x स्क्वायर है माइनस में आ जाएगा, 10xy प्लस में हो गया, और 2 स्क्वायर वाई माइनस में हो गया 2y स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स हैं इसको टर्म्स को आप नीचे ले जाओ, कॉमन वॉमन कुछ निकल नहीं रहा, कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल लेते लेकिन यहाँ तो कुछ निकल नहीं रहा, तो यही हमारा आंसर बनेगा। आएगा माइनस 9x स्क्वायर 10xy माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 12y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है फोर्थ पार्ट, इसमें कहता है x की पावर 1 बाई थ्री प्लस y की पावर 1 बाई थ्री इक्वल्स टू a की पावर 2 बाई थ्री। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, यहाँ पर पावर फार्मूला लगा दो आप, ये आ जाएगा 1 बाई थ्री, एक्स की पावर एक कम करोगे 1 बाई थ्री में से एक कम करोगे तो आएगा माइनस 2 बाई थ्री, ऐसे यहाँ पर करते हैं 1 बाई थ्री, वाई की पावर माइनस 2 बाई थ्री और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स।
राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, उसकी पावर कैसी भी हो क्या फ़र्क पड़ना है, आंसर आ जाएगा उसका जीरो। अब जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक तो देखो ये वन बाई थ्री कॉमन निकाल दो, इसको ख़त्म करो। अब ये वाला पार्ट इसको इधर लेके जाओ, यानी वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस टू बाई थ्री। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको नीचे लेके जाओ। अब इसको अगर आप नीचे लेके गए तो क्या बना, आ जाएगा माइनस एक्स की पावर टू बाई थ्री अपॉन वाई की पावर माइनस टू बाई थ्री। इसकी पावर भी माइनस है, इसकी पावर भी माइनस है, दोनों को पावर को प्लस कर लो। प्लस करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के साथ साथ क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो आंसर बन जाएगा आपका माइनस वाई अपॉन एक्स इसकी पावर टू बाई थ्री। दोनों की पावर पॉजिटिव कर दी, पॉजिटिव करने के बाद हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, ऐसे लिख दो या इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में फिफ्थ पार्ट में कहता है वाई लॉग एक्स वाई एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स वाई। अब यहाँ पर ये जो लॉग एक्स वाई है ना, इसको आप पहले प्रॉपर्टी लगाकर लॉग की, पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव आ गया वन, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इन टू में जो आएगा ये सेम रहेगा, प्लस अब वाई सेम रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन बाय एक्स और इसका हो गया वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, इसको वापस आप इकट्ठा कर दो, लॉग एक्स प्लस वाई को वापस हम ऐसे कर देते हैं लॉग एक्स वाई, यहाँ से वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई बाई एक्स आ जाएगा, और वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये जो माइनस वाई बाई एक्स है इसको आप लेफ्ट में लाओ, वन माइनस वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ निकाल दो कॉमन, तो यहाँ से रहेगा हमारे पास लॉग एक्स वाई प्लस में वन। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स रहेगा, और ये वाली टर्म पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, और यही आपका आंसर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन लॉग एक्स वाई प्लस वन, और जो यहाँ पर एलसीएम आया था एक्स वो भी साथ में यहाँ पर इंटू हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा इसका डी वाई बाई डी एक्स का फिफ्थ पार्ट में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन जहाँ पर एक्स और वाई किसी तीसरे पैरामीटर से कनेक्ट हो रहा है, उन दोनों की हेल्प से, मतलब उन दोनों का डेरिवेटिव हम करेंगे उस थर्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, फिर उन दोनों को एक कम्बिनेशन बनाकर फिर हम डी वाई बाई डी एक्स वहाँ से फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें, इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है at और y की वैल्यू दे रखी है a अपॉन में t। जो ये स्टार्टिंग के अल्फाबेट होते हैं ना a b c d, ये सब होते हैं कांस्टेंट, आर्बिटेरी कांस्टेंट, तो इनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जो बाद वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एज ए पैरामीटर। जैसे यहाँ पर t दिया हुआ है, t यहाँ पर एक पैरामीटर है जिससे x और y दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ x का डेरिवेटिव आएगा dx एक्स बाई डी टी, और ए टी का डेरिवेटिव हो जाएगा a, क्योंकि t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो वन हो जाता है, और यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो dy वाई बाई डी टी आ जाएगा माइनस ए अपॉन में टी स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको dy वाई बाई डी टी इन टू में dt टी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो dy वाई बाई डी टी है माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पुट करना है dt टी बाई डी एक्स है यहाँ पर dx एक्स बाई डी टी, तो रेसिप्रोकल करके पुट कर दो, तो यहाँ जाएगा 1 बाई ए से a कैंसिल, आंसर आ गया माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में कहता है यहाँ पर t log t और log t अपॉन में t, ठीक है, एक जगह मल्टीप्लाई में दिया है t log t, और y में डिवाइड में दिया है log t अपॉन में t। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, t का डेरिवेटिव 1 log t सेम, प्लस t सेम log t का 1 बाई टी, टी से t कैंसिल, ये आ गया आपके पास log t प्लस में 1।
यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन रूल, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको, तो डी वाई बाई डी टी लॉग टी का हो जाएगा 1/t इंटू में डिनोमिनेटर माइनस लॉग टी सेम, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1 माइनस लॉग टी अपॉन में टी स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम वही आपको यूज करना है, डी वाई बाई डी टी आपको पहले रखना है और इनटू में इसका रेसिप्रोकल करके रखना है, तो आंसर आ गया 1 माइनस लॉग टी अपॉन टी स्क्वायर लॉग टी प्लस में 1, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर 1 माइनस लॉग टी टी स्क्वायर लॉग टी प्लस 1। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और y दिया हुआ है आपको 2bt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन टू लगाओ dx बाई dt, a तो कांस्टेंट है इसको तो आप बाहर ही रखो, इसको तो अंदर लेके जब मत जाओ, ये तो बाहर ही पड़ा रहने दो। अब यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे आएगा माइनस 2t इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी इंटू में डिनोमिनेटर एज इट इज़, उसके बाद क्या करना है माइनस साइन लगाना है, और 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी ब्रैकेट खोलो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2t, आ जाएगा माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ये हो गया कैंसिल, माइनस 2t बन जाएगा माइनस 4t, ठीक है, 2t मतलब दो बार चाहे मतलब चार बार चाहे, माइनस 480 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास dx बाई dt। अब निकालना है आपको dy बाई dt, तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करना है, और क्वेश्चन टू लग गया क्योंकि वहाँ भी फ्रैक्शन में है, वो तो हमने लिख ही लिया, चलो क्वेश्चन तो डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, तो 2b यहाँ पर कांस्टेंट है एज इट इज़ रहने दो, t का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, फिर माइनस साइन t एज इट इज़ और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dx बाई dt भी आ चुका है हमारे पास, dy बाई dt भी आ चुका है, तो सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो पहले हम लिखेंगे dy बाई dt यानी 2b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, फिर हम इसको लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल करके नीचे आ जाएगा माइनस 480, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर बना b इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में माइनस 280। ये माइनस को आप ऊपर लगा दो नीचे लगा दो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आंसर हमारा बन जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में टी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी dy बाई dx फाइंड करना है, यहाँ पर जो डेरिवेटिव दिया हुआ कौन सा डेरिवेटिव है, ये दिया हुआ आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉग का यूज़ करना है, लॉग का यूज़ कैसे हमें पता लगता है, लॉग का यूज़ करना है जब बेस और पावर दोनों फंक्शन में हो, या फिर आपके पास दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दे रखे हो तो लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका थर्ड का, इसमें दिया हुआ आपको x की पावर y और y की पावर x, बेस और पावर दोनों में ही फंक्शन है, अगर दोनों में ही फंक्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
अब लॉग आप लेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा आपके पास ऐसे लॉग एक्स वाई, इधर आ जाएगा लॉग वाई रेज टू पावर एक्स। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है अगर उसकी पावर में कुछ भी आपको दिया हुआ है तो वो टर्म आपके पास आगे आ जाती है, यानी जो लॉग एक्स की पावर वाई है तो वाई आगे शिफ्ट हो जाएगा वाई लॉग एक्स, और यहाँ से बन जाएगा एक्स लॉग वाई। अब ये करने के बाद जब आप लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा लेंगे उसके बाद आपको डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। पहले डेरिवेटिव मत करने बैठ जाना, नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। तो अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करा प्रोडक्ट रूल लगाकर, वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स रहेगा सेम प्लस वाई रहेगा सेम, लॉग एक्स का हो जाएगा वन बाई एक्स, इधर एक्स का डेरिवेटिव वन लॉग वाई आ गया सेम, एक्स रहेगा सेम लॉग वाई का आ जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर आएगा इसके साथ में लॉग एक्स, और देखो यहाँ से आएगा एक्स अपॉन वाई, इसको इस साइड लाओगे तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, इधर रहेगा आपके पास लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। एलसीएम लो, इधर आ जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ये वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है आपका वाई इंटू में एक्स लॉग वाई माइनस वाई एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहता है एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ पर आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई, ये बन जाएगा लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। फिर आप इसको आगे लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे वाई लॉग एक्स, ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। अभी जो लॉग ई आता है ना, इस लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से ये तो ख़त्म हो जाएगा, खाली रह गया एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई, यहाँ आ गया वाई लॉग एक्स, इधर आ गया एक्स माइनस वाई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से आपके पास वही प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जैसे हमने यहाँ पर किया था, ये वाई लॉग एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ये आया था, तो यहाँ पर भी वही आएगा, तो आप सीधा यहाँ से लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस में वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का वन बाई एक्स, यहाँ से एक्स का हो जाएगा वन, वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको फिर एक तरफ अब इकट्ठा कर दो, तो इसके साथ इकट्ठा करेंगे डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, इधर से रहेगा आपके पास लॉग एक्स प्लस में वन, और ये इधर चला जाएगा वन माइनस वाई अपॉन एक्स। इसका एलसीएम लो और ये वाली टर्म को आप नीचे ले जाएंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन में x log x प्लस वन, ये बन जाएगा इसका आंसर x माइनस वाई अपॉन में x log x प्लस वन। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू सेवन, ऐसे दिया हुआ है। अब ऐसे अगर ये दिया हुआ है तो इसमें अगर हम लॉग लेंगे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये हो रहा है और एक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पर जब लॉग लिया तो ये बन गया ऐसे लॉग x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग सेवन। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ जिसमें मल्टीप्लाई होता है, अगर लॉग ए इंटू बी दिया होता है तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं लॉग ए प्लस में लॉग बी, वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगानी है, तो ये बनेगा आपके पास लॉग एक्स माइनस वाई प्लस
log e की पावर x अपॉन x माइनस y इक्वल्स टू log 7। अब यहाँ तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी लगी। अब यहाँ पर ये e की पावर में आ रहा है, तो ये जो पावर वाली टर्म है इसको भी आप आगे ले लो। ये बन जाएगा log x माइनस y प्लस x अपॉन x माइनस y log e। और जिसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा भाई लॉग ही होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी आप इसको 1 पुट कर दोगे तो आपके पास ये बच जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग 7। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है। अब पहले वन यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पर लॉग का डेरिवेटिव किया 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे 1 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लगेगा कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया 1 इंटू में एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स सेम रहेगा, अब एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर लॉग 7 है, लॉग 7 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है, तो चाहे लॉग में हो चाहे ई में हो चाहे सिंबल हो, डेरिवेटिव क्या होना है, जीरो हो जाना है। अब यहाँ पर देखो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ एक्स माइनस वाई डिवाइड में, यहाँ एक्स माइनस वाई स्क्वायर में है, तो हम इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक ही कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर आएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये वाली टर्म सेम रहेगी, बस की ब्रैकेट आप खोल दो, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको काट दो, देखो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, देखो एक तो ये बच गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से बच गया आपके पास ये वाला x बच गया, और माइनस वाई माइनस वाई माइनस टू वाई, ये आ जाएगा इधर जाके ज़ीरो। अब यहाँ पर ये जो टू वाई माइनस एक्स है इसको आप उधर लेके जाओ, तो ये बन गया आपके पास y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू वाई पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी 2y माइनस एक्स अपॉन में y। ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर थर्ड का। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ में कहता है y इक्वल्स टू में x log x, तो यहाँ x है पावर में, log x है दोनों फंक्शन है, तो log लेना ही लेना पड़ेगा, तो इधर भी हमने log लिया log y, इधर log लिया log x, फिर इसकी पावर log x। अब ये पावर तो log x से ही आगे आ जाएगी, log x इंटू log x, तो log x इंटू log x को आप लिख सकते हो ऐसे log x का होल स्क्वायर। इधर log y है हमारे पास, अब डेरिवेटिव कर दो तो 1 अपॉन y dy वाई बाई डी एक्स, इसका पहले पावर रूल लगाएंगे 2 log x, फिर log x का करेंगे 1 बाई एक्स, तो ये y इधर चला जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी 2y log x अपॉन में x, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, दो बार डेरिवेटिव करना है, एक बार नहीं करना, दो बार करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट, उसमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, तो जब हम पहला डेरीवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स का डेरीवेटिव 1 लॉग एक्स सेम, एक्स सेम लॉग एक्स का डेरीवेटिव 1 बाई एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास log x प्लस 1। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है भाई डेरिवेटिव जो पहला आया ना उसका फिर डेरिवेटिव करना है, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स और 1 का हो गया 0, आंसर आ जाएगा इसका 1 बाई एक्स। उसके बाद फोर्थ का अगर हम सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है हमारे पास उसमें कहता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर x,
वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो पहला डेरिवेटिव जो हम इसका करेंगे, तो पहले डेरिवेटिव में हमारे पास आ गया डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x, e की पावर x सेम रहेगा। अब हम एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे और e की पावर x ये इधर आ गया। अब यहाँ से आप सिर्फ e की पावर x कॉमन निकालो, x मत निकालो अभी, क्योंकि एक बार वो डेरिवेटिव करना है हमें। e की पावर x बाहर निकाल दो, इधर रहेगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड डेरिवेटिव करो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा और ये सेम आ गया। अब e की पावर x एज इट इज़ रखो और डेरिवेटिव करो अंदर इसका, 2x का 2 आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब फिर से e की पावर x कॉमन निकाल दो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ से रह गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर, उधर से आ गया 2 प्लस में 2x। तो आंसर बन गया आपके पास e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कहता है लॉग ऑफ लॉग एक्स, थर्ड पार्ट में कहता है यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो पहला हमने डेरिवेटिव करा, तो पहले डेरिवेटिव हम करेंगे इस लॉग का, इस लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1/x की जगह ये लिखेंगे, फिर हम चेन रूल लगाएंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, यानी ये बन गया 1/ में एक्स लॉग एक्स। अब आते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव पर, सेकेंड डेरिवेटिव में कोशेंट रूल लगाएंगे। अब कोशेंट रूल में जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा जीरो, अब जीरो के साथ हम डिनोमिनेटर को इनटू करेंगे तो क्या जीरो ही रहना है, तो लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, जीरो ही रहने दो। फिर माइनस, अब वन रखेंगे एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी दो फंक्शन है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लॉग एक्स रहेगा सेम, एक्स रहेगा सेम लॉग एक्स का 1/x एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, आपके पास आंसर बन गया माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का आंसर। लॉग एक्स प्लस 1 हो रहेगा साथ में भाई, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हम चलते हैं, फोर्थ पार्ट में कहता है वाई इक्वल्स टू में 3e की पावर 2x 2e की पावर 3x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करा हमने इसका, 3 कांस्टेंट है, e की पावर 2x का करेंगे 2x ही रहेगा और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। चेन रूल, पूरा चेन रूल हमेशा लगाना है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम करते हैं 2e की पावर 3x और 3x का करेंगे तो 3 आ गया। एक बार और डेरिवेटिव कर दो। अब जो कांस्टेंट है ना आपके पास वो बन रहा है 3 × 2 = 6, ठीक है। इसको एज इट इज रखना है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, फिर 2x का करेंगे 2। ऐसे यहाँ पर भी 6 आ गया, e की पावर 3x फिर इंटू में 3। तो ये बन गया आपके पास 12e की पावर 2x 18e की पावर 3x। कॉमन निकालना है, कॉमन निकाल दो, 6 यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 6 कॉमन निकालने के बाद बचेगा आपके पास 2e की पावर 2x 3e की पावर 3x। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको शो करना है इसके बराबर। तो जो पहले वाला फंक्शन है उसमें कहता है कि भाई x इंटू में, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, x इंटू में 1 + y, फिर y इंटू में 1 + x इक्वल्स टू 0। कितनी देर का हो गया ये, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में आपको ये दिया हुआ है, आपको ये शो करना है 1 + x² dy/dx प्लस में 1 = 0। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है तो आप ये करो, इस वाली टर्म को आप पहले इधर ले जाओ, x 1 + y, थोड़ा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पर आप स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x² इधर आ गया 1 + y,
इधर आ गया वाई स्क्वायर, इधर आ गया वन प्लस एक्स। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो और साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में भी ले आते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाली टर्म लो और ये वाली टर्म लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो। यहाँ से फैक्टर बनाएंगे हम x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल देते हैं, तो x माइनस वाई दोनों में से कॉमन निकल रहा है, एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई। तो एक बार हम इस फैक्टर को लेके चलेंगे और एक बार हम इस फैक्टर को लेके चलेंगे। अब यहाँ से अगर इस फैक्टर को लेके चलें तो x और y दोनों बराबर आ रहे हैं, और x और y अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ ना, ये कभी भी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू प्लस में है। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका आपको डेरिवेटिव करने की ज़रूरत भी नहीं है। डेरिवेटिव हम इसका करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप पहले क्या करो, वाई को इकट्ठा कर लो वन प्लस एक्स, और इस वन प्लस एक्स को इधर लेके जाओ। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव वन, ई एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो गया वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं, इधर से ब्रैकेट खुलेगी तो ये एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस वन को भी आप इधर ले आओगे तो आपके पास इक्वेशन जो प्रूव करनी है वो बन जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वन इक्वल्स टू जीरो, यही आपको इसमें प्रूव करना है। नंबर सिक्स में देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन में कहता है वाई की पावर है वन बाई एम, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसको, तो ये है वाई की पावर वन बाई एम प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई एम है इक्वल्स टू टू एक्स। तो ये जो पावर माइनस वन बाई एम है ना, तो इसको आप क्या करो, इसको आप ऐसे लिख लो y की पावर वन बाई एम प्लस वन अपॉन y की पावर वन बाई एम, यहाँ ले लेते हैं हम एलसीएम इसका y की पावर वन बाई एम का, तो ये बन जाएगा y की पावर वन बाई एम का स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन गया y की पावर वन बाई एम इसका होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स वाई की पावर वन बाय एम। अब ये जो वाई की पावर वन बाई एम, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, अब इसको बार बार लिखना पड़ेगा हमें, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं वाई की पावर वन बाई एम को कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने जेड मान लिया तो ये बनेगा आपके पास जेड का स्क्वायर प्लस में वन, और ये बन जाएगा आपके पास टू एक्स जेड। इन सबको एक तरफ इकट्ठा करो। अब इन सबको जब एक तरफ आप इकट्ठा करोगे तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डेरिवेटिव आपको वाई का करना है, तो इसको हम इधर लेकर आते हैं जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस, यहाँ पर लेकिन एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको वैसे तो नहीं लिख सकते, हम z की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उससे पहले माइनस बी और आएगा, मतलब जो फार्मूला हम लिखेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू y की चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वो काम हमारा z कर रहा है, तो z की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस टू एक्स ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर फोर इंटू में ए की वैल्यू वन है, c की वैल्यू भी वन है, तो यहाँ आ जाएगा फोर डिवाइडेड बाय टू ए, तो a की वैल्यू भी आ गई यहाँ से वन। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, उसमें से आप फोर रूट के बाहर निकाल लो कॉमन निकाल के, तो ये बन जाएगा टू, और यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में, यहाँ रहेगा आपके पास टू, टू 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 सब कॉमन निकल गया, तो जेड की वैल्यू बन गई आपके पास एक्स प्लस माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वैल्यू बन गई हमारी z की। अब जो z है, z का मतलब क्या है यहाँ पर, y की पावर 1 बाय m। तो y की पावर आप 1 बाय m यहाँ पर पुट कर दो, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा और स्पेस चाहिएगा हमें, यहाँ पर z की जगह हमने पुट कर लिया, इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, z को हमने पुट कर लिया y की पावर 1 बाय m इक्वल्स टू x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसकी पावर ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस वन तक। अब यहाँ से जो y की पावर 1 बाय m है ना, इस पावर को भी आप यहाँ से हटाओ। अब पावर को हटा के हम कहाँ लेके जाएंगे, पावर को हटा के हम इधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m। अब यहाँ पर सिर्फ y रह गया, अब यहाँ डेरिवेटिव हम निकालते हैं, तो डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया वाई वन, एम आगे आ जाएगा, और ये सारा का सारा सेम, इसकी पावर आ जाएगी एम माइनस वन। अब चेन रूल लगाएंगे तो आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास वन प्लस माइनस, फिर रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वन अपॉन में टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा टू एक्स, इस टू से टू हो गया कैंसिल, एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इसकी पावर m, और ये जो माइनस वन आ रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं नीचे इस तरीके से, ठीक है, पावर जो m है उसको ऊपर लिख लिया, नीचे हमने खाली जो माइनस वन था उसको नीचे ला के लिख लिया। अब यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वन से इंटू होगा, और यहाँ पर रहेगा आपके पास प्लस माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं, सॉरी प्लस माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो ये वैल्यू दोनों वैल्यू तो कट जाएंगी, आपके पास क्या बचेगा, वाई वन बचेगा, इधर से एम आएगा, इधर से एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एम, और यहाँ पर नीचे बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। वो सारा कटने के बाद आपके पास y1 की वैल्यू ये आ गई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर देते हैं। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा y1 स्क्वायर, इधर हो जाएगा m स्क्वायर, इधर हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का m, फिर उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से हट जाएगा आपका रूट, यहाँ से हट जाएगा रूट, इसको आप इधर लेकर आओ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में वाई वन स्क्वायर, ये आ गया एम स्क्वायर, और ये जो वैल्यू थी ना हमारी, ये वैल्यू किसकी थी, वाई की वैल्यू थी, देखो, तो ये इसकी जगह आ जाएगा वाई और बाहर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आंसर इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपको सेवन्थ में ये दिया हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए, सेवन्थ क्वेश्चन है, इसको प्रूव करने के लिए कहता है y इक्वल्स टू log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और प्रूव करने के लिए आपको दो बार यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, तो एक बार आप डेरिवेटिव यहाँ पर एज इट इज़ कर दो, log का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, और इसका आ जाएगा वन बाय टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो टू एक्स, टू से ये टू हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया प्लस में, ये आ गया यहाँ पर एक्स, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल, तो y1 की वैल्यू सिर्फ बच गई आपके पास वन अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव कर दो, वन का डेरिवेटिव जीरो इनटू में डिनोमिनेटर जीरो ही रहेगा माइनस वन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वन अपॉन में टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे टू एक्स डिवाइडेड बाय, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा रूट ख़त्म, इससे ये कैंसिल, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी शिफ्ट होके,
इधर रहेगा आपके पास माइनस वन अपॉन ये एक्स भी है साथ में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स। अब देखो ये जो वैल्यू थी ना हमारी, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी वाई वन की, तो यहाँ पर पुट कर दो आप वाई वन। तो ये हो जाएगा माइनस वाई वन एक्स। अब आप इसको इधर लेकर आओगे तो इस तरह से हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा ज़ीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम एट पर। एट में आपको ये दिया हुआ है, वहाँ भी आपको प्रूव करना है और दो बार वहाँ पर डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, वाई है हमारे पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसकी पावर होल पावर है पी। तो पहले होल पावर का डेरिवेटिव करो, p आगे आ जाएगा, एक पावर हो जाएगी कम, p माइनस वन। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन प्लस में वन अपॉन में टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा टू एक्स। इस टू से ये टू कैंसिल। अभी जैसे हमने सिक्स क्वेश्चन में करा था, ये जो पावर p माइनस वन थी उसमें से p को ऊपर रख लो, वन को नीचे ले आओ, यानी इसको आप ऐसे लिख लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी पावर p अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी पावर वन। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये वाली टर्म हो जाएगी इससे कैंसिल। और ये हमारे पास क्या है, x प्लस में ये सारा का सारा, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थी वैल्यू y की, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो y। तो y1 की वैल्यू बन गई पी वाई इंटू में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये वन है। अब जो आपको प्रूव करना है उसके लिए आप यहीं पर ही इसका दोबारा डेरिवेटिव करो यूजिंग क्वेश्चन रूल, या आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको इधर ला सकते हो, दोनों तरीके से निकल जाएगा, जैसे मर्जी आप कर लो। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई वन का डेरिवेटिव हो गया वाई टू और ये रहेगा एज इट इज प्लस वाई वन एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन में टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू एक्स इक्वल्स टू में पी, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वाई वन, यहाँ पर टू से ये टू हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पूरे का आप एलसीएम ले लो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा रूट, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई वन इक्वल्स टू पी वाई वन। अब जो आपको प्रूव करना है, देखो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका, इसको हमने इधर लेके गए तो ये बन गया y2 टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में एक्स वाई वन इक्वल्स टू पी वाई वन इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये y1 वन इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे इसकी, देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास, अगर मैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन को y1 के साथ लेके जाऊँ तो ये वैल्यू आएगी पी वाई की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास पी वाई और इसको मल्टीप्लाई करोगे पी स्क्वायर वाई, इसको आप इस साइड लेकर आओगे तो जो आपको प्रूव करना है वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यही आंसर हमें प्रूव करना था, चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस पी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर ही हमारे पास आया था माइनस पी स्क्वायर वाई। तो इस तरह से जो CBSE हैंडबुक की एक्सरसाइज थी 3.1, इसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।